प्यारे विद्यार्थियों, आज असीं छेवीं जमात का विशा समाजिक विज्ञान दी डेली डोज करांगे। पाठ का नाम है वैदिक काल। सब तो पहले असीं इस पाठ नाल संबंधित कुछ महत्वपूर्ण गल्लां पढ़ांगे। पॉइंट नंबर 1, हिंदुआ दीआं चार पवित्र पुस्तकां ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद अते अथर्ववेद हन। नंबर 2, ऋग्वेद संसार की सब तो पुरानी पुस्तक है। नंबर 3, ऋग्वेद कुदरती देवत्यां की प्रशंसा विच लिखे गए मंत्रां दा संग्रह है। ये एक व्यक्ति द्वारा नहीं लिखा गया। नंबर 4, अनेक विद्वाना ऋषियों द्वारा एक लंबे समय तक लिखे मंत्र इस विच शामिल हैं। नंबर 5, वेदां दे बाद लंबे समय तक होर बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए। इन्हां विच्चों कुछ तां वेदां उपर व्याख्यावां हन। नंबर 6, होर ग्रंथ वेदां विच दित्ते गए कर्म कांडां दी व्याख्या करदे हन। कुछ धर्म दर्शन ते लिखे ग्रंथ भी हन। नंबर 7, धर्म दर्शन ते लिखे ग्रंथां नूं क्रमवार ब्राह्मण, आरण्यक, सूत्र अते उपनिषदां दे नाम नाल जाणिया जांदा है। इन्हां सारियां नूं वैदिक साहित्य कहा जांदा है। नंबर 8, जिस काल विच ये लिखे गए सन उस नूं वैदिक काल कहा जांदा है। तां प्यारे विद्यार्थियो, हुण असीं प्रश्नां दे उत्तर देवांगे। प्रश्न नंबर 1, हिंदुआं दीआं चार प्रसिद्ध पवित्र पुस्तकां दे नां दसो। तां असीं महत्वपूर्ण गल्लां विच पढ़ चुके हां कि हिंदुआं दीआं चार पवित्र पुस्तकां ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद अते अथर्ववेद हन। नंबर 2, ऋग्वेद की है? ऋग्वेद कुदरती देवत्यां दी प्रशंसा विच लिखे गए मंत्रां दा संग्रह है। नंबर 3, धर्म दर्शन ते लिखे ग्रंथां दे नां लिखो। तां धर्म दर्शन ते लिखे ग्रंथां नूं क्रमवार ब्राह्मण, आरण्यक, सूत्र अते उपनिषदां दे नाम नाल जाणिया जांदा है। हुण प्यारे विद्यार्थियों, असीं खाली स्थान भरांगे। डैश संसार दी सब तो पुरानी पुस्तक है ऋग्वेद। इस दा उत्तर की है? ऋग्वेद। नंबर 2, जिस काल विच ये लिखे गए उस नूं डैश काल कहा जांदा है। वैदिक काल किस नाम नाल जाणिया जांदा है? वैदिक काल। नंबर 3, कुछ धर्म दर्शन ते लिखे हुए डैश हन ग्रंथ। की है इसका उत्तर? ग्रंथ। नैक्सट, सही जां गलत दसो। नंबर 1, वेदां तो बाद लंबे समय तक होर बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए। बिल्कुल सही। नंबर 2, उपनिषदां नूं वैदिक साहित्य कहा जांदा है। ये भी सही है। नंबर 3, अथर्ववेद हिंदुआं दी पवित्र पुस्तक है। बिल्कुल सही।